नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम छोटे बच्चे के लिए ये बेबी स्वेटर बना रहे हैं। फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत जल्दी बनके तैयार होता है। ये बॉर्डर मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये छोटी छोटी जो बूटियाँ पूरे स्वेटर में बनी हुई हैं, इसे भी मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसे बनाना आसान है क्योंकि हमें अलग से आस्तीन पर फंदे उठा के बॉर्डर नहीं बनाना है, हम साथ ही साथ बॉर्डर बनाते चल रहे हैं। और ये स्वेटर का बैक पोर्शन है और बॉर्डर समेत 8.5 इंच कंप्लीट होने के बाद मैंने ये बॉर्डर डाला है। इसके लिए आगे से सभी फंदे सीधे रहेंगे, बीच बीच में डिज़ाइन पड़ता रहेगा और पीछे से हम 9 फंदे सीधे बनाएंगे, शुरुआत में भी और लास्ट में भी। बैक पोर्शन से हम 9 फंदे सीधे बनाएंगे दोनों साइड में और बीच में सभी फंदे उल्टे बनाएंगे। देखिए, यहाँ पे हमने 9 फंदे बीच में सीधे बनाए हैं, पीछे से 9 फंदे सीधे बनाए हैं दोनों साइड में और बीच में हमारा अपना पैटर्न चलता रहा है। तो जब हमने 6 लाइन कंप्लीट कर दिया तो यहाँ पे 3 धारियाँ बनके तैयार हो गई हैं। उसके बाद 7वें लाइन पे 4 फंदा इकट्ठे घटा दिया है आस्तीन के लिए। देखिए, दोनों साइड में हमने 4-4 फंदे घटा दिए हैं और अब ये आस्तीन बन रहा है। अपने डिज़ाइन को कायम रखते हुए हम स्वेटर को बनाएंगे। तो पहले फंदे को हम ऐसे पर्ल वाइज डालेंगे और इसको दूसरी तरफ कर लेंगे ताकि ये हमारा एज जो है वो क्लीन आए। उसके बाद हम सभी फंदे सीधे बनाएंगे और बीच बीच में अपना डिज़ाइन डालते रहेंगे। पहला डिज़ाइन जो है वो 10 फंदे के बाद बनाया है, 5 फंदे पर ये डिज़ाइन बेस्ड है। पहला डिज़ाइन 10 फंदे के बाद बनाया है, फिर 5 फंदे का डिज़ाइन है और 2 डिज़ाइन के बीच में 13 फंदे का गैप है। और ऊपर की तरफ जब ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जा रहा है तो 2 लाइन प्लेन है, यानी आगे से सीधा और पीछे से उल्टा। उसके बाद दूसरा डिज़ाइन जो है वो इन दोनों फंदों के बीच में है और इधर से 21 फंदे के बाद, यानी 22, 23, 24, 25, 26 इन 5 फंदों पर डिज़ाइन बन रहा है और उसके बाद 2 डिज़ाइनों के बीच में 13 फंदे का गैप। इसी पैटर्न को हम कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पे हमने ये 9 फंदे थे शुरुआत में, चूंकि यहाँ पे 10 फंदे हैं और ये 9 फंदे का बॉर्डर बन गया है तो 1 फंदा छोड़ने के बाद डिज़ाइन बन रहा है। यहाँ पे 9 फंदे का बॉर्डर है तो 1 फंदा छोड़ने के बाद यहाँ पे डिज़ाइन बन रहा है। और दूसरी तरफ भी 1 फंदा पहले डिज़ाइन बन गया है। सामने से हमें सभी फंदों को सीधा बुनना है, बॉर्डर के फंदों को भी सीधा बुनना है और बैक साइड से हम पहला फंदा ऐसे पर्ल वाइज डालेंगे सिलाई और ऐसे घुमा देंगे ताकि यहाँ पे एज जो है वो क्लीन आए। उसके बाद 5 फंदा सीधा बुनेंगे और उसके बाद हम बाकी फंदे उल्टा बुनेंगे,
डिज़ाइन वाले फंदे को छोड़ के। और लास्ट के पांच फंदे में, चूँकि हमारा बॉर्डर है तो इसलिए लास्ट के पांच फंदे और शुरुआत के पांच फंदे हम सीधा बनाएंगे। फ्रंट साइड से सभी पहले फंदे में ऐसे पर्ल वाइज डालेंगे और घुमा के सामने लाएंगे और फिर सीधा बुनेंगे। डिज़ाइन कंप्लीट हो जाने के बाद हमें पूरी लाइन सीधी बुन लेनी है। हमें दो डिज़ाइन के बीच में दो लाइन का गैप रखना है। देखिए फ्रेंड्स, ये वाली बूटी पूरी हो गई है और दो लाइन प्लेन बुनने के बाद हम दूसरी बूटी जो है वो दूसरी बूटी हम 15 फंदे बुनने के बाद डालेंगे। तो 15 फंदे हम सीधा बुन लेंगे। 15 फंदे हमने सीधा बुन लिए हैं और अगले पांच फंदे में बूटी पड़ेगा, तो अगला पांच फंदा दूसरे रंग के उनसे बनाया जाएगा और फिर 13 फंदा हम पहले रंग के उनसे बुनेंगे। और 13 फंदा कंप्लीट हो जाने के बाद हम यहाँ पे दूसरे रंग का ऊन लगाएंगे। अब हमें यहाँ दूसरी बूटी बनानी है। अब दूसरे रंग के ऊन से पांच फंदा सीधा। और फिर शेष सभी फंदे पहले रंग के ऊन से सीधा। पहले पांच फंदे हम रॉन्ग साइड है, पहले पांच फंदे हम पहले फंदे में से पर्ल वाइज डालेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और चार फंदा सीधा। शेष सभी फंदे उल्टे बनाए जाएंगे और दूसरे रंग से बुने हुए फंदे सीधे बनाए जाएंगे। बीच बीच में बूटी को बनाते हुए हम अपने आस्तीन को 5 इंच तक बनाएंगे। तो 4.5 इंच कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये 4.5 इंच के आसपास हो गया है और इसमें हमें 3 फूल डालना था। हम पहले 3 बूटी डाल रहे हैं, फिर उसके ऊपर 2 बूटी डालना है, तो यहाँ पे हमें 3री बूटी डालना था, लेकिन हमें गले की तैयारी करना है इसलिए हमने यहाँ बूटी नहीं डाला। पीछे से हमने बीच के 25 फंदे सीधे बुन लिए। ये ऐसा बॉर्डर हमको बनाना है तो बीच के 25 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं और इस लाइन में हमको अपना डिज़ाइन बनाते रहना है और इस लाइन में हमको पूरी सिलाई सीधी बुननी है। बैक साइड से हम 5 फंदा सीधा बुनेंगे और फिर अपना पांच फंदा सीधा, फिर 3 फंदा उल्टा, फिर 1 फंदा दूसरे रंग से सीधा, फिर 5 फंदा उल्टा और अब बीच के 25 फंदे हम सीधे बनाएंगे। ये टोटल के 14 फंदे हो गए और अब बीच के 25 फंदे हम सीधे बनाएंगे।
ताकि आगे से उल्टे फंदों की एक धारी आ जाए। पच्चीस फंदे सीधे बुन लिए गए हैं, फिर पांच फंदा उल्टा, एक फंदा दूसरे रंग के ऊन से सीधा, फिर तीन फंदा उल्टा और लास्ट के पांच फंदे सीधे, और फिर डिज़ाइन को बनाते हुए सामने से सभी फंदे सीधे बनाने हैं। ये हम आगे से भी सीधा बना रहे हैं यहाँ पे और पीछे से भी सीधा बना रहे हैं, तो ये 25 फंदे आगे से उल्टे आ जा रहे हैं। बैक साइड से हम पांच फंदा सीधा बनाएंगे दो फंदा उल्टा, तीन फंदा दूसरे रंग के उनसे सीधा, और फिर चार फंदा पहले रंग के उनसे उल्टा, और बीच के 25 फंदे सीधे। और फिर इसी तरह लास्ट के चार फंदे उल्टे, तीन फंदा दूसरे रंग के उनसे सीधा, दो फंदा उल्टा और लास्ट के पांच फंदे सीधे। देखिए फ्रेंड्स, बीच के 25 फंदे सीधे बुनने से ये उल्टे फंदों की धारियां आ गई हैं। हमने 6 लाइन ऐसे बुना है तो 3 धारियां आ गई हैं। और अब हम यहाँ हम गला घटा देंगे। किनारे के 25 फंदों में से किनारे के 5 फंदे दोनों ओर से छोड़ देंगे और बीच के 15 फंदे हम गले के लिए घटा देंगे। अब इन 25 फंदों में से हम 5 सीधे फंदे सीधे बुन देंगे, 2, 3, 4, 5, फिर छठा फंदा बुनेंगे और सातवां फंदा बुनेंगे और छठा फंदा सातवें फंदे के ऊपर ऐसे चढ़ा देंगे। यहाँ से हम फंदे घटाने शुरू कर देंगे, एक एक फंदा बुनते जाएंगे और पीछे वाला फंदा आगे वाले पे चढ़ाते जाएंगे। इस तरह करते हुए हम 15 फंदे घटा लेंगे। और अब लास्ट के यहाँ पे 4 फंदे रह गए हैं और एक फंदा ये, तो अब हम 5 फंदे रहने देंगे। तो शुरुआत के 5 फंदे रह गए और लास्ट के 5 फंदे रह गए गले पे, और 15 फंदे बीच के घट गए हैं, और शेष फंदे जो हमारा पैटर्न है उसी को कायम रखते हुए हम बुनेंगे। अब हमारा आस्तीन, देखिए हमारा आस्तीन लगभग 5 इंच होने को है, तो हम 4 लाइन और बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा गला घट गया है और घटने के बाद हम बस 4 लाइन और बनाएंगे। तो 4 लाइन हमें सिर्फ प्लेन बनाना है। शुरुआत के 5 फंदे और लास्ट के 5 फंदे हम ऐसे पीछे से सीधे बनाएंगे और आगे से सभी फंदे सीधे, और पीछे से 5 फंदे शुरुआत के और 5 फंदे अंत के सीधे और बीच के फंदे उल्टे। इस तरह हम 4 लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, घटाने के बाद मैंने ये 4 लाइन बुना है, तो 2 उल्टे फंदों की 2 लाइनें आ गई हैं और ये इधर का पोर्शन कंप्लीट हो गया है, और ऐसा ही हमें इधर भी करना है। तो ऐसा ही करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दोनों हिस्से बराबर कर लिए हैं, ये बुन गया है पूरा और ये बैक पोर्शन तैयार हो गया है।
देखिए फ्रेंड्स, ये बेबी स्वेटर बनके तैयार है, इसका बैक पोर्शन। तो यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो आप भी अपने बेबी के लिए ऐसा बनाइए। इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।